दोस्तों, क्या आपको पता है आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड सिर्फ एक क्लिक में आप चेंज कर सकते हैं। और आप दोस्तों मनचाहा उस बैकग्राउंड को आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी सीन या फिर किसी भी फोटो का बैकग्राउंड आप उसमें अटैच कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे आप प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच सके। तो अभी मैं यहाँ पर आपको किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करके दिखाऊँगा सिर्फ एक क्लिक में। साथ ही दोस्तों उसमें मैं अपना खुद का एक बैकग्राउंड एड भी करके दिखाऊँगा। तो कैसे करना है इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल आ जाएगा, आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। फिर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर दिखेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव इमेज बैकग्राउंड 100% ऑटोमेटिकली एंड फ्री। यहाँ पे अपलोड इमेज पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप अपने गैलरी से उस फोटो को चूज कर लीजिएगा जो आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मुझे इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये हमारा फोटो का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से चेंज हो गया, आप देख सकते हैं तुरंत। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड का जो बटन है इस पर क्लिक करके आप इस फोटो को बहुत ही आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इस फोटो को मैं डाउनलोड कर लिया हूँ और इसे अभी ओपन करके मैं आपको दिखा दिया हूँ। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो ओरिजिनल फोटो था दोस्तों वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसका ओरिजिनल फोटो कैसा था और इसमें कैसे इसका डाउनलोड करके बैकग्राउंड चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये था कुछ इसका ओरिजिनल फोटो और अभी जो आप देख सकते हैं मैं इसका बैकग्राउंड चेंज किया हूँ, कुछ इस प्रकार से इसका रिमूव हो चुका है। चलिए दोस्तों इसी बैकग्राउंड में अभी हम किसी और बैकग्राउंड को सेट करके देखते हैं। तो किसी भी फोटो पर बैकग्राउंड को अगर आपको खुद से लगाना हो तो जैसे दोस्तों ये फोटो का बैकग्राउंड आपका रिमूव होता है यहाँ पर एक एडिट का बटन आपको देखने को मिलेगा। इसी एडिट वाले बटन पर आपको एक बार क्लिक करना होगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ब्लर इफेक्ट भी दे सकते हैं। अगर दोस्तों हम कोई भी एक यहाँ पे सीन इसके पीछे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला सीन मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर दिया हूँ और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो हमारा फोटो है इसमें ये अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों इसको ब्लर करने के लिए ऊपर में देख सकते हैं ब्लर वाले इफेक्ट हैं, इसमें आप सेलेक्ट करके उसे आप ब्लर भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे सीन्स दिए हुए हैं या फिर आप अलग अलग कलर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी दोस्तों आपको अच्छा लगता है आप अपने अनुसार इस फोटो को चेंज करके आप बहुत ही आसानी से इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करके आप यहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और कुछ इस प्रकार से हमारा गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा और इसे हम यहाँ पर ओपन करके भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये फोटो कैसा था और इसे मैंने रिमूव करके बैकग्राउंड को चेंज कर दिया है और यहाँ तक दोस्तों ये बिल्कुल ब्लर भी हो चुका है जिससे DSLR जैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।